स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? यस सर, यस सर, हेलो, दिख रहा है? यस सर, एक यस लड़की दिख रही छोटी। ओके, चलो एक छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ। आवाज आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व द गर्ल। ये गर्ल है ना, इसको ऑब्जर्व करो, ओके सर, इसका रेमेडी सीखेंगे हम आज, ठीक है? ओके सर। देखा आपने वीडियो, थोड़ा देखा? यस सर, यस सर, ओके। हाँ, यस सर, तो आवाज आया क्या सबको? आवाज आया वीडियो का? नो सर, नहीं सर, नहीं सर, नो सर, नहीं सर, आवाज नहीं। ओके, वो वीडियो का आवाज नहीं, ठीक है ठीक है, आवाज नहीं आया। ओके ओके, चलो। पर वीडियो देखा तुमने सबने? देखो ये लड़की को क्या, शी वॉज हैविंग, देखो फोर्थ स्टैंडर्ड की लड़की है, ठीक है? यानी होगी वो फोर्थ स्टैंडर्ड, यानी 11-12 साल की लड़की है। शी केम टू मी फॉर कंप्लेंट्स ऑफ एलोपेशिया, उसके सर में बाल्ड पैचेस हो गए थे। क्या हो गया था? बाल्ड पैचेस, यानी टक्कला हो गया था उसको। तो उसके लिए उसकी मम्मी मेरे पास उसको लेके आई, राइट? और कंप्लेंट्स बताते बताते शी स्टार्टेड वीपिंग। यहां तक देखा आप सबने, बराबर? तो ये यस सर, रेमेडी आज सीखने वाले हैं, ये रेमेडी आज सीखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, बहुत काम की रेमेडी है, एग्जाम में भी आता है हर बार, और प्रैक्टिकली भी आप अगर ये रेमेडी को सीखोगे, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट एवरीवेयर। आपके प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस चालू करोगे, यू कैन अप्लाई दिस रेमेडी वेरी वेल। तो चलो चालू करते हैं रेमेडी, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, यू लाइक इट। सी रेमेडी है बराइटा कार्ब, या उसको बोलते हैं हम बराइटा कार्बोनिकम, राइट? ये दिस इज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। जैसे कल कोई डिस्कस कर रहे थे रेमेडी कौन सा है, चूजा भी पॉलीक्रेस्ट है और बराइटा कार्ब भी पॉलीक्रेस्ट है। एंड यू हैव टू सी दैट इन थर्ड ईयर मोस्ट ऑफ योर रेमेडीज आर पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज। जैसे नाउ वी हैव फिनिश थुजा, थुजा के बाद वी हैव दिस बराइटा कार्ब, आगे आएगा सल्फर, कल्किरिया कार्ब, काली कार्ब, पल्सेटिला, आयोसाइमस, बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, ये सारे के सारे पॉलीक्रेस्ट रेमेडी आने वाले हैं, राइट? तो एक एक रेमेडी को अच्छे से समझेंगे हम। तो बराइटा कार्ब इज फ्रॉम अ मिनरल किंगडम, थुजा जो हमने देखा था दैट वॉज फ्रॉम अ प्लांट किंगडम, ये अभी है मिनरल किंगडम, बेरियम कार्बोनेट से बनता है बराइटा कार्ब। सबको दिख रहा है ये पावर पॉइंट? हाँ सर, यस सर, और ओके, आवाज भी क्लियर है? यस सर, यस क्लियर है। सर, यस सर, ओके, चलो सीखते हैं आज बराइटा कार्ब। सीधे को बराइटा कार्ब आपके क्लिनिक में आएगा तो आप उसको कैसे पहचानोगे, राइट?
सी मैं थोड़ा अलग मेथड से पढ़ा रहा हूँ आपको, ये बुक वाला मेथड नहीं है यूजुअल जो हम दुबे में से पढ़ते हैं, ये ऐसा मेथड है कि जहाँ से तुम क्लिनिकली भी उसको प्रैक्टिस में भी समझोगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी तुम उसको बराबर से समझ सकते हो, राइट। तो देखो क्लिनिक में बराइटा कार्प को कैसे पहचानना है फ्रॉम फिजिकल पॉइंट्स, फिजिकल यानी उसके लुक पे से कैसे पहचानना है, राइट। सबसे पहला है बराइटा जो रहते हैं शॉर्ट स्टेचर रहता है, शॉर्ट स्टेचर यानी उनका हाइट कम रहता है। सी व्हाट आई हैव रिटन, मैन एंड वुमन, मैन और अ वुमन हु इज शॉर्ट इन स्टेचर यानी हाइट उनका कम है, और हु डू नॉट ग्रो नॉर्मल टू द एज यानी एज हो गया है 15-16 साल का बच्चा है, लड़का है लड़की है, पर वो दिख रहे हैं 8 साल 9 साल 10 साल के। तो ये सबसे पहला पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर दैट दे आर ऑफ शॉर्ट स्टेचर, या अपन उसको बोलते हैं शॉर्टनेस, राइट। और एक वर्ड बहुत कॉमनली बराइटा कार में आएगा इज कॉल्ड एज द्वार्फिज्म और द्वार्फिशनेस, द्वार्फिशनेस। द्वार्फिश यानी क्या बोलते हैं अपन, ठेंगा, ठेंगापन, बराबर। सो देखो ऐसा नहीं है पर कि जो भी आपके पास अंडर नरिश आएगा या जो भी शॉर्ट स्टेचर का आएगा सबके सबको बराइटा दे दो, ऐसा नहीं करना है, समझे। हर एक कोई भी क्लिनिक में आएगा तो छोटा ठेंगा रहेगा, हाइट कम रहेगा, ऐसा नहीं कि सबके सबको उठा के बराइटा दे दिए, नहीं, आगे की चीजें मैच होने को ना। ये सिर्फ एक पॉइंट है, पहला पॉइंट दैट द्वार्फिज्म, द्वार्फिशनेस और शॉर्टनेस, शॉर्ट स्टेचर, ये बराइटा के अंदर एक फिजिकल जनरल जो बोलते हैं या फिजिकल अपन उसको बोलते हैं उसका मेकअप, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका हाइट कम रहता है, स्टेचर छोटा रहता है। सी बराइटा कार्प आर शॉर्ट एंड बल्की, बल्की यानी क्या, हाइट कम रहेगी पर थोड़े से हेवी रहेंगे, वेटेड रहेंगे, विथ राउंडेड फेस, उनका फेस कैसा रहेगा, राउंड फेस, एंड नोबी नोज, नोज कैसा रहेगा, बड़ा नोज, नोबी नोज। यहां तक समझाए फर्स्ट पॉइंट? ओके, पहला पॉइंट है शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर, गुटके, द्वार्फिश जिनका हाइट नहीं बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द एज, राइट। फेस भी उनका राउंडेड फेस होगा, राउंडेड फेस होगा और उनका नाक बड़ा होगा, नोज बड़ा होगा, नोबी नोज बोलते हैं उसको हम, क्लियर। आगे चलना है? हाँ सर, यस सर, यस सर। ओके चलो, सी सेकेंड पॉइंट है अर्ली बाल्डनेस। देखो अब ये केस जो मैंने आपको बताया, यूजुअली अभी ये फोर्थ स्टैंडर्ड की लड़की है, फोर्थ स्टैंडर्ड की लड़की में बाल्डनेस आना चाहिए क्या? नहीं, पर इसके अंदर अर्ली बाल्डनेस आ गया, उसको पैचेस आ गए, आगे का हेयर लाइन कम हो गया, पीछे पैचेस आ गए, हेयर पैचेस में जाने लग गए। तो सेकेंड पॉइंट आपको पेशेंट को देख के समझ में आएगा कि यार ये बाल टकला है, इसके बाल तो बहुत जल्दी झड़ने लग गए, अभी तो इसका उम्र भी नहीं हुआ है। तो देखो हमको रूब्रिक्स मिलेंगे, सिम्टम्स बोल सकते हैं, हेयर अफेक्शन जनरल बाल्डनेस और हेयर अफेक्शंस जनरल बाल्डनेस यंग पीपल इन, यानी जवानी में बाल चले जाना, बराबर, टकला हो जाना, गंजा हो जाना, या हम उसको बोलते बाला हो जाना, बाला, बाला मूवी देखा ना सबने? यस सर, यस सर, बाला बाला, हाँ बाला बाला, वो बाला बाला, वो बाला पूरा गंजा है और ये बाला जो बाल वाला है उसका भी कम उम्र में जवानी में उसके बाल झड़ने लग गए, टकला होने लग गया। तो ये भी एक सेकंड पॉइंट याद रखना, एक फिजिकल उनका स्टेचर छोटा रहता है, शॉर्ट रहते हैं, और क्या रहता है, अर्ली बाल्डनेस, यंग लोग जो रहते हैं उनके अंदर ये बाल जाने लगते हैं, ये भी एक साइन है बराइटा का आपका, उसको अपन फिजिकल लुक से पहचानना, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, आगे चलते हैं। देखो फेस ये पीछे देखा हमने, फेस भी कैसा है उनका, राउंडेड फेस, बोलते हैं मून फेस, राइट। और बोनी स्ट्रक्चर, उनके जॉज जो रहते हैं वो बहुत ही बोनी रहते हैं, और फेस राउंडेड यानी चीक्स राउंडेड, चीक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फैट दिखेगा आपको और वो फेस को एक राउंडेड लुक देगा। तो बराइटा का आपको तीन चीजों से पहचानना है, एक हाइट कम, शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द एज, सेकेंड उनका बाल्डनेस, बाल जल्दी झड़ जाना, एंड थर्ड फेस उनका राउंड रहेगा और ये बोनी प्रोमिनेंट ज्यादा दिखेगा, उससे उसका उनका चेहरा कैसा दिखेगा, ऊपर
ये फैट चीक्स एकदम मोटे मोटे और ये एकदम प्रोमिनेंट जॉज, तो फेस उनका यूजुअली स्क्वेरिश दिखता है आपको, राइट? ये तीन पॉइंट। नाउ देखो, ये फिजिकल पॉइंट के तीन पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट शॉर्टनेस ऑफ स्टेचर यानी बुटके, दूसरा हो गया बाल्डनेस, तीसरा हो गया फेस उनका राउंड और बोनी स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी क्लिनिक में आएंगे तो हम उसको मेंटल लेवल पे कैसे पहचानना कि ये बराइटा है। अब ये लड़की को तुमने देखा, देखा सबने, ऑब्जर्व तो किया होगा, बराबर? हाँ सर। यस। तो देखो, ये लड़की के अंदर तुमको एक चीज दिखी होगी, यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ये क्या है? दिस पीपल आर टिमिड। टिमिड यानी शाय, हिम्मत नहीं है, डरपोक थोड़े से, बराबर? लुकिंग डाउन बैशफुल्ली। तो देखो, मेंटली आपके क्लिनिक में पराठा आएगा तो आप कैसे पहचानोगे? तो उसको विल वीक है, यानी विल यानी अपन बोलते इच्छा शक्ति कुछ करने का, तो ये वीकनेस है उसके अंदर। तो बेसिकली ये लोग कैसे रहते हैं बराइटा? टिमिड एंड लुकिंग डाउन बैशफुली, यानी वो आपने से ज्यादा बात नहीं करते, ऐसा नीचे ही देखेंगे। क्लिनिक में भी आपके आए तो आपसे बात नहीं करेंगे, वो बहुत ज्यादा शर्मीले रहेंगे। सी, टिमिडिटी इज सो एग्जैगरेटेड इन बराइटा, दे डू नॉट वॉन्ट टू शो देयर फेस ऑल्सो, वो उनका फेस भी दिखाएंगे नहीं। अभी ये लड़की थोड़ी सी डेवलप बराइटा थी इसलिए ये फेस दिखा रही थी, पर ये भी वैसी थी, थोड़ी टिमिड थी, बैशफुल थी। ज्यादा करके बच्चे क्या करते हैं, चिल्ड्रन हाइड देयर फेस विद बोथ हैंड्स, वो चेहरा ही नहीं दिखाएंगे किसी को, ऐसा हैंड दोनों भी हाथ अपने फेस के ऊपर ले लेंगे। तो ये भी एक पॉइंट है पहचानने का, बराइटा को कैसे पहचानोगे? टिमिड है, बैशफुल है, बहुत ज्यादा शर्मीले है, फेस नहीं दिखाएंगे, मेहमान भी कोई घर में आ जाएंगे तो ये छुप जाते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, या अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लेते हैं, या मम्मी के पीछे छुप जाएंगे, पापा के पीछे छुप जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेंजर से इनको डर लगता है, इनको स्ट्रेंजर पसंद नहीं है, राइट? वो आगे देखते हैं। सी, पहला पॉइंट समझ में आया कि बहुत ज्यादा टिमिड है और बैशफुल है, इतने है कि अपना मुंह भी नहीं दिखाते किसी को, बराबर? राइट। सेकेंड इज पीपल हु डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स, बराइटा में एक है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, दे आर लैकिंग द कॉन्फिडेंस। सी, एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी बराइटा ये तो आपको मैंने ये दिखाया, एक बड़ा दिखाता हूँ बराइटा, देखो ये एक बराइटा है बड़ा, अरे ये दिख रहा है आपको लड़का, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। देखो ये मेरे पास आया था, हाँ ये बड़ा बराइटा है, ये बड़ा लड़का है बराइटा। देखो इसको है ना, ये यहाँ पे इसका एक्चुअली अच्छा हुआ हुआ फोटो, इसको यहाँ पे बहुत बड़ा एक्जिमा था, यहाँ पे बहुत बड़ा एक्जिमा था, और ये मेरे पास आया, और ये भी एक मिस्त्री काम करता है लड़का, बराबर? और ये भी वही लाइन में का था जैसा हमने यहाँ पे देखा, ये बराइटा में, देखो क्या है, ग्रोन अप एडल्ट्स कम विथ पेरेंट्स फॉर कंसल्टेशन। अभी देखो ये जो समझो ये लड़का का उम्र होगा अभी 24-25, अभी 24-25 साल का लड़का इंडिपेंडेंट रहता है, खुद आता है क्लिनिक में, राइट? पर ये साथ में इसके मम्मी को पापा को लेके आया, यानी क्या, ग्रोन अप हो गया है, बड़ा हो गया है, एडल्ट हो गया है, बट कंसल्टेशन के लिए अपने पेरेंट्स को लेके आएगा, या हस्बैंड होगा तो वाइफ को लेके आएगी, वाइफ बराइटा होगी तो हस्बैंड को लेके आएगा, राइट? अभी क्यों लेके आते हैं बोलो आप, बोलने के लिए डरते हो? हाँ विनाश, टिमिड, टिमिड नहीं, डरता है। हाँ इमरान, बराबर, डरता है, और क्या है? स्ट्रेंजर से डरता है। हाँ बोलो, स्ट्रेंजर से डरता है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्ट्रेंजर से डरता है। अभी डॉक्टर उसके लिए स्ट्रेंजर है तो स्ट्रेंजर से डरेगा, राइट? और क्या है, डरता है, स्ट्रेंजर है, और क्या होगा? लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट, एक्सट्रीमली राइट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। और सी, डॉक्टर के पास आते हैं तो क्या करना पड़ता है? सपोज आप डॉक्टर के पास गए तो क्या करना पड़ता है जाके? अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती,
वेरी गुड फरहान, क्या करना पड़ता है, अपना प्रॉब्लम बताना पड़ता है। बराइडा का प्रॉब्लम क्या है? बराइडा का प्रॉब्लम है कि वो की चीजें शेयर नहीं कर, हाँ क्या वो कुछ शेयर नहीं करता, क्या सॉरी शर्मिला है, बराबर शर्मिला तो है, और क्या है? शर्मिले के साथ और क्या है? डरता है सर वो अपनी चीजें शेयर करने से या किसी को बताने से। ओके देखो क्या होता है, एक तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बराबर, और डॉक्टर के पास जाने के बाद एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कि सर मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, मेरे को ये तकलीफ है। बराडा का प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है चीजों को, कॉन्फिडेंस नहीं है बराबर, शाय है, टीमिड है बराबर। प्रॉब्लम ये है कि वो खुद की चीजों को एक्सप्रेस नहीं करा पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, सर मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ऐसा दुखता है, मेरे को ऐसा होता है। तो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम वो पॉइंट पे से बराइडा को कैच कर सकते हो। तुम्हारा क्लिनिक में आता है उसके साथ कोई तो भी, उसका मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ या दोस्त भी आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये खुद की तकलीफ बता नहीं पाता है, तो वो उसके साथ जो उसके पेरेंट्स आते हैं वो ही हर बार दे आर टेलिंग ईच एंड एवरी कंप्लेंट, ये जस्ट हाँ सर बराबर सर हाँ सर ये ऐसा करेगा बराइडा राइट। सी देखो बराइडा में ऐसा नहीं है, अपन ने क्या बोला, शॉर्ट है, स्टेचर शॉर्ट है, बुद्धू जैसा दिखेगा, बाल्ड होगा, पर देखो आपके क्लिनिक में कोई हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर आ सकता है या टीचर आ सकता है या कोई भी बैंक का एम्प्लॉय आ सकता है जिसका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, बट वो अपने साथ किसी और को लेके आया है। वो ही आदमी सारी चीजें ही इज नरेटिंग हिज कंप्लेंट्स कि सर ये इनको ऐसा होता है वैसा होता है। तो ऐसा हाई क्वालिफिकेशन पे आदमी है पर हमको डाउट लगेगा, अरे यार ये इतना पढ़ा लिखा है, इतना डिग्री इसका ज्यादा है, ये खुद क्यों नहीं बोल रहा है? तो ये भी एक पॉइंट है कि क्योंकि ये बराइटा है, समझ रहे? ऐसा नहीं है कि बराइटा बराइटा आगे नहीं बढ़ेगा लाइफ में या वो कोई ऊंचे पोजीशन पे नहीं जाएगा, राइट? आगे बताऊंगा मैं आपको बराइटा कौन कौन हो सकते हैं, पर बराइटा हमेशा याद रखना एडल्ट जो भी होगा वो अपने साथ किसी को, मम्मी पापा, हस्बैंड होगा तो वाइफ को या वाइफ होगी तो हस्बैंड को, दोस्तों को, सबको साथ में लेके आता है क्योंकि वो खुद अपनी तकलीफ ही cannot narrate his complaints, राइट? यहाँ तक समझे? यस सर। यहाँ तक समझे सबको? यस सर। चलो आगे चलना है। ओके देखो इससे हमको क्या समझ में आता है कि इसको कॉन्फिडेंस की कमी है, इसका विल वीक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है चिल्ड्रन जो रहते हैं उठा नहीं सकते जल्दी। बराइडा वाले भी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे नहीं घर की, वो लेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। देखो आगे चलते हैं। देखो और एक प्रकार के बराइडा है जो पहला देखा हमने कि क्या है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, वो शाय है, टिमिड है, खुद की बातें एक्सप्रेस नहीं करेंगे, दूसरों के साथ हमेशा रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे। और एक टाइप के बराइडा आपको हमेशा मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं फुलिश बराइटा, या उनका बिहेवियर क्या है, दे आर हैविंग फुलिश बिहेवियर। सी ऐसा क्यों बोलेंगे, सी हम किसको फुलिश बोलते हैं? देखो ये बराइटा क्या करते हैं, ऐसे लोग आपको भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। देखो वी कैन ऑल्सो सी बराइटा पीपल विथ टू मच कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ गोइंग टू द लेवल ऑफ फुलिशनेस। ये हम उसको देख के बोलेंगे वो तो खुद को दिखा रहा है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, बट सामने वाला बोलेंगे अरे क्या बेवकूफ आदमी है, क्या फुलिश आदमी है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, फुलिश डेयर डेविल्स, बराइडाज आर कॉल्ड एज, ये याद रखो फुलिश डेयर डेविल्स। अभी ऐसा क्यों, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डेंजर लाइज अहेड, यानी बराइडा को ये समझ में नहीं आता है कि उसका ये काम करने से आगे उसको क्या खतरा है या उसके साथ क्या हो सकता है, राइट? इन सिचुएशंस वेयर अ नॉर्मल पर्सन वोंट डेयर, यानी सपोज हम लोग जो है, हम सपोज बराइडा अगर नहीं है तो हम लोग जो डेयरिंग नहीं करेंगे वो बराइटा डेयरिंग करेगा, ठीक है? क्योंकि उनको क्या है, दे डू नॉट फियर डेथ एंड दे कैन नॉट सी द डेंजर अहेड। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, केयरलेस और हीडलेस।
और डिफाइंट ये आगे फाइनल ईयर में आएगा आपको डिफाइंट. तो देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ करेजियस, हम किसको बोलते हैं कि यार ये हिम्मत वाला बंदा है, ये करेजियस है, और फुलिशनेस, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है बताओ मेरे को अभी. फुलिशनेस क्या है और करेजियसनेस क्या है? हाँ इमरान बताओ, व्हाट इज फुलिशनेस एंड व्हाट इज करेजियसनेस? फुलिश किसको बोलना है? करेजियस जो रहेगा वो आगे के खतरे को, खतरे के बारे में सोचेगा, और फुलिश जो रहेगा वो खतरे के बारे में सोचेगा और वो काम मतलब करते जाएगा वो. राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. एनीवन वांट टू ऐड? फुलिश बंदा किसको बोलना है? हम बहुत बार यूज करते हैं ना वर्ड, यार व्हाट अ फुलिश फेलो इज, है ना, यूज करते ना, अरे क्या बेवकूफ आदमी है, और बोलते अरे यार क्या हिम्मत वाला आदमी है, बहुत बार यूज करते हैं हम. तो बेसिक डिफरेंस क्या है बराबर बताया इमरान ने जी. करेजियस में क्या रहता है? करेजियस वाला जो रहता है वो जो रिस्क उठाता है वो रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क रहता है. वो रिस्क क्या रहता है? कैलकुलेटेड रिस्क रहता है, यानी एक कैलकुलेशन लेके. सपोज एग्जांपल दिया, देखो मैंने यहां लिखा है स्टंटमैन. स्टंटमैन क्या करते हैं? हम मूवीज देखते हैं बराबर, सिंघम देखा या सिंघम रिटर्न्स, जो भी मूवी फाइटिंग वाले मूवी, उसके अंदर स्टंटमैन सब करते हैं बराबर. तो अभी स्टंटमैन क्या करते हैं? वो ट्रेंड रहते हैं बाइक चलाने में, या उनको रस्सी लगाया हुआ रहता है, गिरते वक्त दे टेक केयर कि हम गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, राइट. बट कोई बराइडा रहेगा उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है, डर नहीं, उसको कोई पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर वो बोलता है मैं करता हूँ स्टंटमैन का काम. तो ये फुलिशनेस हो गया, राइट. करेजियसनेस किसको बोलना है? कि जो प्रिपेयर्ड है, जो पहले कर चुका है, उसका ट्रेनिंग हुआ है. सी और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फायर फाइटर रहते हैं ना, फायर फाइटर पता है ना सबको, फायर ब्रिगेड में काम करने वाले, हाँ बराबर. तो फायर ब्रिगेड वाले भी तो अपने जान पे खेल के काम करते हैं, राइट. पर उनको ट्रेनिंग मिला हुआ रहता है, उनके पास सारे इक्विपमेंट रहते हैं, उनका ड्रेस रहता है पूरा, वो उसके साथ फिर वो लोगों को बचाते हैं. ऐसा नहीं कि समझो बराइटा रहेगा तो क्या करेगा, उसके पास कुछ नहीं है, सूट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी चलाए करने. तो ये बराइटा है. तो तुम ऐसे लोगों को देखना कि ये बराइटा है, क्योंकि इसका कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं, इसको पता नहीं कहाँ डेयरिंग करना है कहाँ नहीं करना है. हम लोग जाएंगे क्या? हम लोग नहीं जाएंगे. हम लोग सोचेंगे यार इतना बड़ा आग लगा है, हम कैसे उसके अंदर कूदे, पर बराइटा कूद जाएगा, राइट. तो ऐसे लोगों को याद रखना कि दे कैन बी बराइटा कार, ठीक है, समझा याद तक? यस सर. तो yes, एक sir. देखा हमने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले देखे टीमिड, शाय, शर्मीले टाइप के, जिनको सपोर्ट लगता है बराबर. एक देखा ये फुलिश वाले, एक देखे हमने फुलिश वाले, राइट. चलो आगे चलते. अभी ये इंटेलिजेंस कैसा होगा ये लोगों का समझो. अभी बराइटा को सब समझना है ना, तो यहां से समझेंगे हम बराइटा को. तुम बराइटा कभी नहीं भूलोगे. क्लिनिक में आओ, तुम्हारा दोस्त हो, आजू बाजू में हो, रिलेटिव्स में हो, बराइटा को कभी मिस नहीं करोगे. देखो इंटेलेक्ट बोलते हैं हम, इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता, उसका होशियारी. तो बराइटा का इंटेलेक्ट ही क्या है दोस्तों? फॉल्टी इंटेलेक्ट है, यानी इंटेलेक्ट में ही गड़बड़ है. हम बोलते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तो इसके इंटेलेक्ट में ही गड़बड़ है. तो ये इंटेलेक्ट में गड़बड़ होने की वजह से बराइटा डेवलप होता है. देखो कैसे डेवलप होता है. तो बराइटा कौन लोग हैं? पीपल हु स्माइल अ लॉट. बराइटा कैसे पहचानेंगे? तुम्हारे क्लिनिक में आए और बिना वजह से हंस रहे, राइट, या बिना वजह से रो रहे. जैसे मैं वो लड़की देखा, उसको कुछ मैंने क्या पूछा, क्या करती है, क्या हुआ बेटा, तो रोने लग गए. तो पीपल हु स्माइल अ लॉट और पीपल हु वीप अ लॉट, रोना, ज्यादा रोना, राइट. और पीपल हु आंसर रॉन्गली, इसको कैसे पहचानना है? तुमने उसको पूछा एक क्वेश्चन और वो आंसर दे रही है दूसरा, राइट. तुमने उसको पूछा तेरे को खाने में क्या पसंद है, तो बताती है नहीं सर मेरे को है ना शिमला कुल्लू मनाली पसंद है. यानी तुमने क्वेश्चन क्या पूछा है और वो आंसर कुछ और दे रही है, राइट. और आगे क्या? पीपल हु आर कंफ्यूज्ड व्हाइल आंसरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बराइटा का. यानी उनके दिमाग में कंफ्यूजन चलते रहता है. आपने उनको क्वेश्चन पूछा, वो आंसर तो करते हैं,
और यार कैसा है क्या है वो ऐसा सोचेंगे बहुत बार, आ, 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 ऐसा करेंगे, आ, 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 ऐसे करके आंसर देंगे. तो याद रखना यार, दे कैन बी बराइट. और पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये जो बंदों को नहीं समझता है, दे आर बेसिकली बराइटा. यानी क्या करना है, देखो एग्जाम चालू है, कल एग्जाम है, पेपर है, और ये पढ़ाई छोड़ के सब कुछ कर रहा है, ही कैन बी अ बराइटा. या उसको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अरे कल पेपर है मेरा, मेरा पढ़ाई करना चाहिए, पर वो मूवी देख रहा है, पत्ते खेल रहा है, या कुछ तो भी दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा है, टीवी देख रहा है. देखो द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, ठीक है, ये कहीं भी आप लगा सकते हैं. रॉन्ग प्रायोरिटीज एट वर्क और होम, घर में भी रॉन्ग प्रायोरिटीज एट होम और वर्क. काम के जगह पे काम करना चाहिए ना, तो वहां काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है. घर में आने के बाद घर का रहना चाहिए, पर घर में भी वो प्रायोरिटीज नहीं दे रहा है, घर में भी दूसरे ही काम कर रहा है. तो ऐसे लोगों को तुम याद रखो. और पीपल हु आर फिक्स्ड इन देयर रूटीन, यानी पीपल हु आर फिक्स्ड इन देयर रूटीन, यानी एक ही काम करना है, वही काम करना है, ऐसे लोग भी बराइटा रहते हैं. समझ रहे, एक ही काम करना है, एक ही काम करूंगा सर मैं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता है, दे कैन बी बराइटा. सी और क्या है, जजमेंट लैकिंग नो कैपेसिटी टू एडाप्टेशन. सी अभी बेसिकली क्या है, फॉल्टी इंटेलेक्ट क्यों है, क्योंकि उनको जजमेंट जज करना नहीं आता है. जज क्यों करते हैं हम, जज का काम क्या है, जज क्या करता है, एनीवन, इन सब करता है. हाँ राइट, सही, जज कोर्ट में जज क्या करता है, सही और गलत का फैसला करता है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो वो डिसाइड करता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, राइट. पर बराइटा का बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, उसको जजमेंट ही नहीं पता चलता है कि ये राइट है या रॉन्ग है, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है, बराबर. तो उसकी वजह से क्या होता है, ही हैज नो कैपेसिटी टू एडप्टेशन. सपोज आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप एडप्टेशन क्या करोगे ना, एडाप्ट कब करते आदमी. सपोज आपको समझ में आया कि आई हैव डन दिस रॉन्ग, तो तुम क्या करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे, राइट. तुम उसको सुधारोगे, नहीं सर ये मेरा गलती हो गया, अभी मैं इसको चेंज करता हूँ. बट बराइटा का बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि उनको लैक ऑफ जजमेंट है, उनको सही और गलत का डिफरेंस नहीं समझता है. ओके, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अ फॉल्टी इंटेलेक्ट. समझाइए, यहां तक समझाए सबको? यस यस सर, यस सर, पक्का पक्का, आगे चलना है? यस सर. ओके चलो, यस सर. ओके देखो और क्या है, बराइटा पीपल आर दोज पीपल हु आर वेरी ऑर्थोडॉक्स. अभी ऑर्थोडॉक्स का क्या मीनिंग होता है बच्चों, बताओ कोई. पुराने ख्यालात वाला, पुराने ख्यालात का, राइट, वेरी गुड वेरी गुड. पुराने ख्यालातों वाला, बाबा आजम के ख्यालातों वाला, राइट. ऑर्थोडॉक्स यानी जिसको कोई भी चीज, नई चीज नहीं चलती है, बराबर. Who does not want to change? उसको चेंज नहीं होना है, जो मेरा है पहले से मैं वैसे ही फॉलो करूंगा. तो बराइटा भी रहेंगे ना, तो वो आप देखोगे उनको कि वो पुराने स्टाइल के ही कपड़े पहनेंगे, समझ रहे. बराइटा कभी जीन्स नहीं पहनेगा, बराइटा कभी टी शर्ट नहीं पहनेगा, वो जैसा बड़ा हुआ है वो टाइम को जैसे कपड़े पहनते आया है वैसे ही कपड़े पहनेगा, उसको चेंज नहीं चाहिए कोई भी चीज, समझ रहे. क्योंकि बेसिकली दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स. सी और एक है ऑब्स्टिनेसी, रूटीनिस्टिक एटीट्यूड, दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज टू चेंज. वो क्या बोलते हैं, सर मेरा अच्छा है ना ये मेरा पैंट शर्ट. बहुत लोगों आप देखोगे व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट, सालों से वो व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट वो चेंज ही नहीं करते, क्योंकि ये क्या है उनका ऑब्स्टिनेसी भी है और रूटीनिस्टिक बन जाता है और ऑर्थोडॉक्स भी है, उनको चेंज नहीं पसंद है, बराबर. तो ऐसे लोग क्या करते हैं, देखो ऐसे लोग people who cannot use new gadgets like new mobiles, smartphone, iPhone, laptops, modern machines, equipments. तो ये लोग क्योंकि ये orthodox है, इनको change नहीं चाहिए, ये अपने पुराने चीजों में ही
खुश रहते हैं कि ये ऐसा है ना, ऐसे ही चलने दो, तो नया मोबाइल भी नहीं यूज करेंगे उनका। उनके पास जो मोबाइल होगा वो पुराना डायल पैड वाला मोबाइल रहेगा, वो कभी कंप्यूटर ज्यादा नहीं चला पाएंगे, आईपैड नहीं चला पाएंगे। लेडीज होंगी तो वो बोलेगी वॉशिंग मशीन में नहीं चलाऊंगी, फ्रिज का वो कैसे करते हैं मेरे को नहीं आता है, राइट? और ये इसकी वजह से ये क्या बनते हैं, नैरो माइंडेड, यानी उनका माइंड बहुत ज्यादा नैरो है और कोई स्पेस ही नहीं है बढ़ने को, बहुत छोटी जगह है, राइट? जैसे आपने देखा द्वारफिशनेस, जो मेंटल द्वारफिशनेस है ना, सॉरी फिजिकल द्वारफिशनेस है, वही माइंड के ऊपर भी आ गया। माइंड भी उनका क्या हो गया, नैरो हो गया है, छोटा हो गया है, नई चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, सारा का सारा जो पहले से चला आ रहा है, रूटीन जो चला आ रहा है, वही बराइटा को अच्छा लगता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर, समझ रहा है, मजा आ रहा है क्या? हाँ सर, इंटरेस्ट आ रहा सर, इंटरेस्ट आ रहा है ना, मजा आने को ना, नहीं तो बोल दो बंद कर दूंगा फिर मैं। नहीं सर, ओके चलो, ओके देखो अभी क्या है, ये बराइटा जो है ना, बराइटा वो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। अभी मल्टीटास्किंग यानी क्या, मल्टीटास्किंग इसको बोलना है, एक साथ दो तीन, एक साथ बहुत सारे काम करने वाला, राइट राइट राइट, एक साथ बहुत सारे काम करना, बराबर। यानी अभी मैं, अभी मैं सपोज लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ, इधर पेशेंट से भी बात कर रहा हूँ, हाँ, या और कुछ लिख भी रहा हूँ, मोबाइल पे मैसेज भी देख रहा हूँ, राइट? तो उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, यानी एक टाइम पे बहुत सारी चीजें करना। बट ये बराइटा जो है ना, उनको नहीं जमता है ये, वो बोलते हैं मैं एक टाइम पे एक ही चीज करूंगा, वो नहीं कर सकते। वो उसके, इसका भी रीजन क्या है, क्वालिटी इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट उनका इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो एट अ टाइम चार पांच काम कर सके। क्लियर? यस सर, ओके। देखो आगे क्या लिखा है, पीपल हु डू नॉट चेंज देयर जॉब्स फॉर इयर्स टुगेदर। अबे बराइटा क्या करते हैं, एक ही जॉब सालों साल चल रहा है, 10 साल से 15 साल से 20 साल से, चपरासी है तो चपरासी का चपरासी ही रह गया, राइट? क्लर्क है तो क्लर्क का क्लर्क ही रह गया, एक ही पे। किसका माइक चालू है, आई एम हियरिंग सम डिस्टर्बेंसेस हियर। हाँ गया, वापस आ गया। सी पीपल हु डू नॉट चेंज देयर जॉब्स फॉर इयर्स टुगेदर, यानी एक ही इंस्टीट्यूशन में एक ही फॉर्म में 20 साल गुजर गए, क्लर्क का क्लर्क ही है, 10,000 का 10,000 ही पेमेंट है, तो वो लोग भी बराइटा है, उन लोगों के लिए भी बराइटा तुम सोच सकते हो। ओके, सी पीपल हु कैन बी चीटेड अगेन एंड अगेन, यानी एक बार आपने उसको उल्लू बना दिया, वापस से वैसे उसको उल्लू बना दिया, क्योंकि ये लोग क्रेडुलस है। यानी सपोज बराइटा कुछ मार्केट में खरीदने चला गया, तो उसको किसी ने कोई चीज दे दी, वो चीज खराब है, बराइटा वापस आ गया, वापस 8 दिन से उसी के पास चला जाएगा, वापस वो खराब चीज दे देगा, वापस आ जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस फॉल्टी है ना, समझ में नहीं आता, जजमेंट का प्रॉब्लम है, राइट है या रॉन्ग है, तो वो लगा रहता है, चीटेड होते रहता है बार बार। सी पीपल हु डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, ये बराइटा क्या, देखो अभी ऊपर का ही, चीट कौन होता है, हम एक बार फंस जाते हैं, सपोज हम एक बार सब्जी लेने चले गए, उसने हमको खराब सब्जी दिया, तो हम वापस से उसके पास सब्जी लेते हैं क्या? नहीं सर, नहीं लेंगे ना, क्योंकि उसने हमको चीट किया है, खराब माल दे दिया है। पर ये बराइटा नहीं सुधरता है, बराइटा क्या करता है, वापस वही गलती दोहराते रहता है, वापस वही गलती दोहराते रहता है, राइट? सी देखो और एक बताता हूँ तुमको मैं, छोटा बच्चा रहता है, वो अभी उसको बहुत बार क्या रहता है, एंथुजियाज्म रहता है, ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, तो वो सपोज घर में कभी दिया लगा दिया है, या गर्म सब्जी है, गर्म पानी, उसमें हाथ डाल दिया, जल जाता है, तो एक बार हो गया, ये नॉर्मल हो गया। बराइटा का बच्चा जो है, तो वही गलती बार बार करेगा, बार बार उसी को हाथ लगाएगा, बार बार उसका हाथ जलेगा, बार बार वो गिर जाएगा, क्योंकि क्या है, लर्निंग डिफिकल्टी है उनको, वो चीजें दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू लर्न प्रॉपरली, समझ रहे हैं?
देखो और एक है, दे बराइटास दे कैनॉट बी अ गुड लीडर और दे नेवर कैन बी अ लीडर. देखो ऐसा क्यों अभी बताओ, बराइटा कैन नेवर बी अ लीडर. फॉल्टी इंटेलेक्ट. फॉल्टी इंटेलेक्ट नहीं, और बताओ. लैक ऑफ जजमेंट. लीडर क्यों नहीं बन सकता है बराइटा? लैक ऑफ जजमेंट, राइट, वेरी गुड. और यहाँ बराबर इमरान, और क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. बाकी लोग नहीं, क्या बाकी लोग 10 लोग? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट, बोलो बराबर, राइट राइट. और लीडर की क्या क्वालिटीज होते हैं बताओ, चलो फटाफट. केयरलेस. लीडर क्या करता है? लीडर नहीं, वो ब्राइटा. नहीं, लीडर, लीडर का क्या क्वालिटी? लीडर में बराइटा, बराबर. लीडर में लीडर की क्या क्वालिटी होते हैं? डेयरिंग होती है उसमें, कुछ भी करने की. ओके वेरी गुड, बराबर, वेरी गुड. सी लीडर का क्या रहता है, जो लीडर रहता है ना उसको हम फॉलो करते हैं, बराबर. अगर अगर हमारा लीडर ही ऐसा होगा बराइटा जैसा, जो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, या डिसीजन जो भी लेगा वो गलत होगा, तो हम क्या करेंगे फिर, उसको फॉलो करेंगे क्या? लीडर कैसा चाहिए? हमेशा स्ट्रांग लीडर चाहिए. तो लीडर, लीडर वाले रेमेडीज कौन से होते हैं बताओ? कौन सा रेमेडी बहुत अच्छा लीडर हो सकता है? कौन से रेमेडीज हो सकते हैं वो आर वेरी गुड लीडर्स, कि वो हमेशा आगे रहते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं? चलो आगे पढ़ाऊंगा तुमको मैं एक रेमेडी है, कॉस्टिकम. कॉस्टिकम वाले बहुत बार लीडर्स रहते हैं, वो लीड करते हैं. या नाइट्रिक एसिड रहते हैं, फाइटर रहते हैं, नक्सोमिका रहते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी क्या है? बॉसिंग वाली क्वालिटी है, बराबर. एक बॉसिंग वाला क्वालिटी रहता है जो आपको लीड करता है, यानी जो सबके आगे रहता है, राइट. पर इसमें बेसिकली क्या है, ये खुद ही बहुत ज्यादा भोला है, ये खुद ज्यादा, उसका इंटेलिजेंस लेवल कम है, डिसीजन कैपेसिटी इसकी नहीं है, लेगा भी डिसीजन तो सारे गलत डिसीजन होंगे, राइट. तो बराइटा कैन नेवर बी अ लीडर. ओके चलो, अभी हमने बहुत सारी नेगेटिव शेड देख लिया ना बराइटा का, अभी ये बराइटा का एक पॉजिटिव शेड है. बराइटा का पॉजिटिव शेड क्या है? कि पीपल हु हैव अ एक्सेलेंट एबिलिटी टू डू अ फिक्स्ड जॉब. यानी बराइटा का, बराइटा को जो काम एक बार दिया गया कि बेटा तू ये कर, बेटा तू ए से जेड तक लिख, तो बराइटा ए से जेड तक लिखेगा. दूसरे दिन बराइटा वापस ए से जेड तक लिखेगा. तीसरे दिन बराइटा वापस ए से जेड तक लिखेगा. और उससे अच्छा कोई लिख नहीं सकेगा, कोई कर नहीं सकेगा, समझ रहे. या कोई भी कंपनी में काम करना है, एक मशीन बनाना है इतना छोटा सा, तो बराइटा को एक बार सिखा दिया, बराइटा ने धीरे धीरे आ गया बराइटा को, और उसके लिए फिक्स हो गया कि तेरे को यही करना है बराइटा, बाकी और कुछ करना नहीं है. तो वो उसके अंदर क्या हो जाता है? मास्टर बन जाता है. ही बिकम्स अ मास्टर इन दैट. सी वंस दे आर यूज्ड टू अ पर्टिकुलर जॉब, नो वन कैन बीट देम एट इट. यानी वो क्या बन जाते हैं, एक बार उनको वो जॉब पल्ले पड़ गया, आ गया, तो उसके अंदर उसको कोई हरा नहीं सकता है, राइट. तो मैंने एक वर्ड डाला है, मास्टर्ड रूटीनिस्ट. यानी मास्टर हो गया वो, अपन बोलते हैं ना अभी हम बैचलर डिग्री है, बैचलर के आगे मास्टर डिग्री. तो ये मास्टर रूटीनिस्ट हो गया क्योंकि इसका रूटीन हो गया ना, रोज सिलाई करना है, बराबर, रोज ब्लाउज बनाना है, रोज शर्ट बनाना है, तो उसके अंदर वो मास्टर हो गया, उसका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है, राइट. सी एग्जाम्पल क्या क्या है, बराइटा कौन कौन हो सकते हैं जो पीछे हमने डिस्कस किया था. हु कैन बी अ बराइटा पर्सन? दोज हु आर क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स. चलो बोलो अभी क्यों, क्लर्क क्यों? क्लर्क इज अ, क्लर्क कैन बी अ बराइटा. क्लर्क, अकाउंटेंट, वर्कर,
सर डेली वो काम सेम काम कर करके उस पे मास्टर हो जाते हैं। राइट 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 डॉक्टर क्यों बेटा, डॉक्टर का भी नाम उसके अंदर दो क्योंकि वो भी देखा ना डॉक्टर भी है ना। क्या क्या सॉरी फिक्स जॉब आयमा कुछ बोल रही है फिक्स जॉब ओके फिक्स जॉब वही जाना है क्लिनिक में स्टेथोस्कोप लगाना है बीपी देखना है बराबर वही रेमेडी देना है या वही प्रैक्टिस करना है राइट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टीचर क्यों अभी टीचर टीचर भी बोला है क्योंकि सर अप टू द रिटायरमेंट उनको एक ही जॉब करनी है ना। राइट वेरी गुड एब्सोल्युटली राइट। टीचर का काम क्या है अभी सपोज मैं ऊंचा वन सर मेरा काम है मटर रेमेडी का पढ़ाना या रेपेट्री पढ़ाना तो मैं वही पढ़ाऊंगा। मेरे को अगर तुम बोलोगे कि एनाटॉमी पढ़ाओ तो मेरे को एनाटॉमी नहीं आएगा अभी राइट क्योंकि मैं इसके अंदर ट्रेन हो गया हूँ। ये रेमेडी पढ़ाना ये मेरा काम हो गया है ये मेरा फिक्स जॉब हो गया है मेरा रूटीन हो गया है राइट। वही टीचर का है डॉक्टर का भी वही है रोज जाना है उठना है क्लिनिक जाना है पेशेंट देखना है घर पे आना है। डॉक्टर को दूसरा कोई काम बोलोगे तो नहीं जमेगा क्योंकि ये वो रूटीन के अंदर वो बहुत अच्छे से करते हैं राइट। नाउ देखो एक सर्जन ऑल्सो कैन बी अ ब्राइटा सर्जन जो सर्जन सर्जरी करता है तो उसका काम है सर्जरी करना तो वो बराबर से करेगा उसका काम क्योंकि वो उसके अंदर उसको ट्रेनिंग वो कर करके वो यूज टू हो गया है। तो हमेशा याद रखो ऐसा नहीं है कि बराटा जो बुक में दिया है ना तुमको कि शॉर्ट रहते हैं ठेंगे रहते हैं डल रहते हैं इंटेलिजेंस नहीं रहता है वैसा नहीं है। वो तो है पार्ट पर ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके वजह से बराटा बहुत लोग मिस करते हैं। देखो अभी हम डॉक्टर को भी दे सकते हैं टीचर को भी दे सकते हैं वर्कर को भी दे सकते हैं अकाउंटेंट को भी दे सकते हैं वी कैन प्रिस्क्राइब टू क्लर्क ऑल्सो जब हमको बाकी की चीजें भी मिलने वाली है। ठीक है यहाँ तक समझे सबको ये उसका पॉजिटिव शेड है ये रेमेडी का पॉजिटिव शेड है बाकी के जो शेड देखे हमने दे वेर नेगेटिव शेड राइट। यहाँ तक क्लियर सबको ओके चलो आगे चलते हैं। देखो हमको समराइज करना है अभी बराइडा को कैसे समराइज हर एक रेमेडी को समराइज करना है जैसे हमने थूजा को किया प्रेजाइल है सर ये थूजा क्या है प्रेजाइल है राइट। अभी इसको क्या करना है इसको भी समराइज करना है हर एक रेमेडी का एक वर्ड बनाना है उससे वो रेमेडी का पूरा कोर समझ में आएगा। तो अभी देखो बराइडा का क्या है वी कैन समराइज बराइडा इन वन वर्ड दैट इज मिसप्लेस्ड। अभी ये जो है ये वर्ड कॉइन किया है डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने ये डॉक्टर अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं वो उनके मटर रेमेडी का में से है। बराइडा को हम एक वर्ड में हेलो हाँ क्या कोई कुछ बोल रहा था ये सर वही है ना सर प्रेडिक्टिव होम्योपैथी वाले जी हाँ डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने ये वर्ड कॉइन किया है। ये वर्ड को अगर हम समझ लेते हैं हम बराइडा को पूरा समझ लेते हैं। ठीक है अभी देखो क्या वी कैन समराइज बराइडा इन वन वर्ड दैट इज मिसप्लेस्ड। अभी मिसप्लेस का मतलब क्या है देखो मिसप्लेस यानी इनअप्रोप्रिएट और रॉन्ग यानी जो जहां जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है या गलत है उसको बोलना है मिसप्लेस। तो बराइडा में हर एक चीज मिसप्लेस है। देखो आप थिंकिंग प्रोसेस रॉन्ग है बराइडा में थिंकिंग प्रोसेस है क्या कुछ नहीं है। जैसा आपने वो एग्जांपल देखा स्टंटमैन का या फायर फाइटिंग का उसको कोई ट्रेनिंग नहीं है पर वो उसका थिंकिंग प्रोसेस ही नहीं है इंटेलिजेंस इज नॉट प्रॉपर उसका इंटेलिजेंस भी नहीं है राइट। एक और एक एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको मैं। अभी एक काम वाली बाई है मेड है उसको बोलते काम वाली बाई या मेड। अगर वो घर में कोई काम कर रही है राइट सपोज वो अभी बर्तन कर रही है शी इज वॉशिंग यूटेंसिल्स या वॉशिंग डिशेस वो पे पानी का टैप चालू है पर वो डिशेस ही वॉश करती जाएगी उसको ये समझ में नहीं आएगा कि वो पानी का नल उसको बंद करे राइट। ये भी क्या है उसको ये प्रॉपर चीजें समझ में नहीं आ रही ये भी मिसप्लेस है। या वो तो इफ शी इज क्लीनिंग द फ्लोर कोई गैस चालू है या कुछ स्मेल आ रहा है कुछ जल रहा है तो वो अपने अपने काम में ही लगी रहेगी वो दूसरा क्या हो रहा है उसको कुछ उससे लेना देना नहीं है वो एक ही काम में लगी रहेगी। ये भी क्या है मिसप्लेस्ड। सी देयरफॉर व्हाट ग्रोथ इज आल्सो नॉट प्रॉपर ग्रोथ फिजिकल भी ले लो मेंटल भी ले लो और देयरफॉर रिएक्शन टू सिचुएशन इज आल्सो नॉट प्रॉपर। तो उनको कौन से कहाँ पे हंसना है कहाँ पे रोना है ये भी नहीं समझ में आएगा। आप क्लिनिक में देखो जब भी आप प्रैक्टिस चालू करोगे जो लोगों को रिएक्शन क्या देना समझ में नहीं आता है ना अभी हंसू या अभी रो ये भी मिसप्लेस हो गया ना समझ रहे। जो नॉर्मल से हटके है यानी जैसा जहां होना चाहिए वैसा नहीं है तो
यू कैन थिंक ऑफ बराइटा कार. यानी एक बंदा, अभी देखो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैंने बराइटा कार कैसे प्रिस्क्राइब किया. मैं एक दोस्त के यहाँ गया एंड उसके फैमिली में डेथ हो गया था. एंड सी उसके उसके फादर का डेथ हो गया था एंड जो मदर थी यानी जो पेशेंट एक्सपायर हो गया उनकी वाइफ थी, उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए? उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया था, व्हाट व्हाट हैज टू बी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन? क्या होना चाहिए? सैड, सैड होने चाहिए, रोना चाहिए. वेरी गुड, वेरी गुड. सैड होना चाहिए, रोना चाहिए. या कोई बोलते हैं हिंदू के अंदर 14 दिन 15 दिन तक तो भी घर में जो रहता है रिचुअल्स उसके हिसाब से रहना चाहिए. बराबर, खाना पीना भी बाहर से आता है या पड़ोसी लाते हैं या रिलेटिव लाते हैं, घर में बनता नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो लेडी थी शी वाज डिमांडिंग, हस्बैंड को एक्सपायर हो गया, दो दिन हो गए एंड शी वाज डिमांडिंग कि आई वांट दिस फूड, मेरे को ये खाना चाहिए, ये लाओ, ये होटल से वो लाओ, मेरे को फिश खाना है, मेरे को मटन खाना है, मेरे को चिकन खाना है. ये गलत नहीं लग रहा है आपको? है ना गलत? मिसप्लेस है ना? जहाँ पे नॉर्मली होना चाहिए वैसा नहीं है, राइट? और ऑल्सो वॉट शी वॉज डूइंग, शी वॉज फाइटिंग फॉर द टीवी. शी वॉज सेइंग टू हर सन, तू टीवी लगा, मेरे को सीरियल देखना है, मेरा कितना इंपॉर्टेंट सीरियल चल रहा है. अरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए और इसको टीवी देखने का मन कर रहा है. दिस इज ऑल्सो मिसप्लेस. उसकी गलती नहीं है, उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो कोई तभी फॉल्टी है, ये मिसप्लेस है. ये सोच के मैंने उसको बराइटा काप दिया. देखो हमको अगर इफ यू नो दिस साइड देन ओनली वी कैन प्रिस्क्राइब बराइटा, नहीं तो आप उसको अलग रेमेडी कोई दे सकते थे. पर ये मिसप्लेस है तो आपको ऐसे समझना है बराइटा को, ठीक है? यानी थिंकिंग प्रोसेस रॉन्ग है, इंटेलिजेंस बराबर नहीं है, क्रोध बराबर नहीं है. तो क्या होगा? रिएक्शन टू द सिचुएशन, कहाँ पे कैसा बिहेव करना है, बराबर ये सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना, ये भी गलत होता है, राइट? समझा? Yes, sir. जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज्यादा है, दोनों भी बराइटा है. क्लियर? यस सर. चलो लास्ट, चलो आखिरी स्लाइड दिखाता हूँ. देखो बराइटा को कैसे याद रखोगे, हर एक रेमेडी का तुमको ऐसा बनाना है, राइट? थूजा का भी ऐसा बनाओ, बराइटा का भी ऐसा बनाओ. इससे क्या होगा, एक शॉट के अंदर तुमको पूरा रेमेडी पूरा क्या पूरा समझ में आ जाएगा. ये भी बुक में से ही है, इसके अंदर थोड़ा सा कुछ मैंने ऐड किया है. देखो बराइटा का आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप पे क्या है, मिसप्लेस्ड, ये याद रखना है, नॉर्मल नहीं है, बराबर. इसमें देखो थर्मल रिलेशन में आप देखोगे बराइटा चिली है. बराइटा पेशेंट को बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, ठंड लगती है. ठंड बिल्कुल, दे कैन नॉट बियर एनीथिंग वेरी कोल्ड, बराबर. That's why they are called a chili. समझता है ना? चिली पता है ना आपको, चिली और हॉट. चिली क्या रहता है, जिसको ठंड बिल्कुल सहन नहीं होती है, कोल्ड उसको बियर नहीं होता है, राइट? दे आर चिली. बराइटा कार बेसिकली चिली और थर्स्टी है, इनको पानी की प्यास बहुत ज्यादा रहती है एंड दे आर बेसिकली राइट साइडेड. देखो पहला हमने रेमेडी देखा था थूजा, हॉट, थर्स्टलेस एंड लेफ्ट साइडेड. ये क्या है बराइटा का, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड, राइट? फिजिकली कैसे है बराइटा, शॉर्ट इन स्टेचर, ये है बाल्डनेस जो हमने देखा पहले, राउंड फेस और नोबी नोज, उनका नाक बड़ा रहता है. और क्या है, रूटीनिस्टिक, अपने काम में बहुत अच्छा कर सकते हैं. सिलाई वाला और एक पेशेंट है मेरे पास, मैंने उसको बराइटा दिया है, वो इतना बहुत पैसे वाला है, मास्टर है वो, मास्टर काय में है, टेलर है, लेडीज टेलर. तो ही इज वेरी गुड, उसके जैसा जलगांव में कोई नहीं काम कर सकता है. और यू वोंट बिलीव, पढ़ा कितना है, फिफ्थ स्टैंडर्ड, और आज उसके पास ही इज हैविंग करोड़ ऑफ रुपीज. किस चीज पे? क्योंकि उसने वो एक ही चीज को रूटीनिस्टिकली कर लिया है. उसको ब्लाउज और उसके सिवा और कुछ आता नहीं है, वही सिलता है और वो आज करोड़पति है, राइट? और क्या है, इनएबिलिटी टू अडैप्ट, इनएडैप्टेबल, अडैप्ट नहीं कर सकता है. और तुमको बराइटा में हमेशा दिखेगा एक चाइल्डिशनेस, एक बड़ा भी हो गया तो उसके अंदर तुमको एक दिखेगा, दे आर वेरी चाइल्डिश, बचकाना हरकत करने वाला. यानी शरीर तो बढ़ जाता है पर माइंड भी उसका बच्चों जैसा रहता है, राइट? चाइल्डिशनेस दिखेगा. क्लियर यहां तक?
यस सर यस सर यस सर समझा सबको समझा यस सर यस सर राइट देखो हर एक रेमेडी के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं पर अभी आपको जितना समझना है एक फिजिकल लेवल पे ड्वार्फिशनेस और एक मेंटल लेवल पे ड्वार्फिशनेस राइट और एक बराडा का अच्छा पॉइंट क्या है उनको जो सिखाया जाता है उसके अंदर वो मास्टर बनते हैं उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है सिटी में के रिनाउंड सर्जन हमने एक रिनाउंड सर्जन द प्लास्टिक सर्जन उसको भी बराडा दिया था क्योंकि वो उसको वो ही आता था उसको वो छोड़ के और कुछ आता नहीं था राइट बराडा उसको अगर तुमने पूछ लिया सर मेरे को सर्दी खांसी हो गई क्या करूं तो वो लगा रहे मेरे को नहीं आता अरे तू सर्जन है प्लास्टिक सर्जन है तेरे को आना चाहिए ना और उसको वो नहीं आता है वो बोलता है नहीं ये मेरा रूटीन काम है तू मेरे को सर्जरी कोई भी बता दे प्लास्टिक सर्जरी मैं करूंगा बट इज नॉट एबल टू डू अदर थिंग्स यानी उसके डोमेन के बाहर जो उसने सीखा नहीं है उसमें बराटा नहीं कर पाएगा राइट तो हमेशा रेमेडी को एक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा हमने यहाँ पे किया है रिमेम्बर कैसे करना है एक रेमेडी का फ्लो चार्ट बोलो या डायग्राम बोलो ये तरीके से रेमेडी को याद रखो बराइटा सबसे पहले मिसप्लेस यानी नॉर्मल से हटके जो भी करता है इंटेलिजेंस भी नहीं है विल भी वीक है टिमिड है जो करना नहीं कर रहा है हाइट में शॉर्ट है बाल्ड है उसका फेस राउंड रहेगा नाक बड़ा रहेगा चिली थर्स्टी राइट साइडेड रेमेडी रहेगी बराबर क्लियर यस सर यस सर यस सर चलो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क कुछ नहीं समझ में आया है यू कैन आस्क नो क्वेश्चन भूषण समझ में आया हाँ सर यस सर अज्जू तेरे को समझ में आया सब हाँ सर समझा पक्का हाँ पक्का फरहान यस सर गॉट इट फरहान यस सर समझ गया इमरान यस सर गॉट इट सीरत एक शॉर्ट में कोई रिवाइज करो